तो आज का वीडियो किंग्स इलेवन पंजाब के फैंस के लिए काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग्स इलेवन पंजाब के टॉप 10 रन स्कोरर के बारे में। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 10 की। तो पंजाब के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में नंबर 10 पर है युवराज सिंह। युवराज सिंह ने पंजाब के लिए बल्लेबाजी तो बढ़िया करी ही है, साथ में यूवी ने पंजाब की कप्तानी भी बढ़िया करी है। आईपीएल के शुरुआती दो सीजन में पंजाब की कप्तानी युवराज सिंह ने संभाली थी। युवराज सिंह आईपीएल में 6 टीमों की तरफ से खेल चुके हैं, जिसमें युवराज ने सबसे ज्यादा रन किंग्स इलेवन पंजाब के लिए बनाए हैं। युवराज पंजाब के लिए साल 2008, 2009, 2010 और 2018 में खेल चुके हैं, और इन 4 सालों के अंदर यूवी ने पंजाब के लिए 51 मैचेस खेले हैं, जिसमें यूवी ने 48 इनिंग में 959 रन बनाए हैं, जिसमें यूवी ने 75 चौके और 51 छक्के भी मारे हैं। नंबर 9 पर है कुमार संगाकारा। कुमार संगाकारा भी किंग्स इलेवन पंजाब के लिए काफी बढ़िया खिलाड़ी साबित हुए हैं। संगाकारा भी पंजाब के कप्तान रह चुके हैं। किंग्स इलेवन पंजाब के लिए पहला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी कुमार संगाकारा है। संगाकारा पंजाब की तरफ से 1000 आईपीएल रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी है। संगाकारा ने आईपीएल के शुरुआती 3 सीजन पंजाब की तरफ से खेले है, और इन 3 सीजन में संगाकारा ने पंजाब के लिए 37 मुकाबले खेले है, जिसमें संगाकारा ने सिर्फ 34 इनिंग में 1009 रन बनाए हैं, जिसमें संगाकारा का हाइस्ट स्कोर रहा है 94 रनों का। इसके अलावा कुमार संगाकारा ने पंजाब के लिए 850, 117 चौके और 18 छक्के भी लगाए हैं। पंजाब के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में नंबर 8 पर है मनदीप सिंह। तो इस पंजाबी मुंडे ने भी किंग्स इलेवन पंजाब के लिए काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। मनदीप सिंह को इंटरनेशनल क्रिकेट में तो ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन आईपीएल में मनदीप सिंह 100 से ज्यादा मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें से मनदीप ने पंजाब के लिए सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं। मनदीप सिंह पंजाब के लिए मिडिल ऑर्डर में काफी बढ़िया खिलाड़ी साबित हुए हैं, और मनदीप ने पंजाब के लिए ओपन भी किया है। आईपीएल 2012 में मनदीप सिंह पंजाब के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर थे। आईपीएल 2012 में मनदीप ने 400 से ज्यादा रन बनाए थे, और उस साल मनदीप सिंह इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी रहे थे। मनदीप सिंह ने अब तक पंजाब के लिए 61 मुकाबले खेले हैं, जिसमें मनदीप ने 57 इनिंग में 1058 रन बनाए हैं, जिसमें मनदीप ने 450, 115 चौके और 16 छक्के लगाए हैं। बात करें नंबर 7 की, तो नंबर 7 पर है मनन वोहरा। मनन वोहरा ने अपना आईपीएल डेब्यू किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से किया था, और वोहरा पंजाब के लिए कई सालों तक खेल चुके हैं और 1000 से ज्यादा रन भी बना चुके हैं। पंजाब के टॉप 10 रन स्कोरर में एकमात्र अनकैप खिलाड़ी मनन वोहरा है। आईपीएल 2014 में जब पंजाब फाइनल तक पहुंची थी, उस साल वोहरा ने पंजाब के लिए काफी बढ़िया प्रदर्शन किया था। मनन वोहरा ने पंजाब के लिए 50 मुकाबले खेले हैं, जिसमें वोहरा ने 46 इनिंग में 1106 रन बनाए हैं, जिसमें वोहरा ने 450, 115 चौके और 39 छक्के लगाए हैं। इसके अलावा वोहरा का स्ट्राइक रेट भी कमाल का है। अब बात करते हैं नंबर 6 की, तो पंजाब के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में नंबर 6 पर है यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। आईपीएल 2018 के ऑक्शन में कोई भी टीम क्रिस गेल को खरीदने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन आखिर में पंजाब ने गेल को 2 करोड़ की बेस प्राइस में अपनी टीम में शामिल किया था, और पंजाब में आकर गेल ने शानदार बैटिंग का नजारा दिखाया। गेल ने पंजाब के लिए पिछले 3 सालों में कुछ इस तरह की बैटिंग करी है कि गेल ने पंजाब के लिए टॉप 10 रन स्कोरर की लिस्ट में अपना स्थान नंबर 6 पर कर दिया है। गेल ने पंजाब के लिए ओपन करते हुए कमाल की बैटिंग करी। इसके अलावा जब आईपीएल 2020 में गेल को नंबर 3 पर बैटिंग के लिए भेजा, तो गेल ने नंबर 3 पर भी काफी अच्छे रन बनाए थे। गेल ने पंजाब के लिए सिर्फ 31 मुकाबलों में 1146 रन बनाए हैं, जिसमें गेल ने 1050, 1 शतक, 90 चौके और 84 छक्के लगाए हैं। इसके अलावा गेल का एवरेज 40 के ऊपर का है, और स्ट्राइक रेट करीबन 147 का है। गेल का इतना अच्छा परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी आईपीएल 2020 में पंजाब ने गेल को ज्यादातर बेंच पर बिठा के रखा था। तो अब हम बात करने वाले हैं किंग्स इलेवन पंजाब के टॉप 5 रन स्कोरर के बारे में। तो पंजाब के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में नंबर 5 पर है रिद्धिमान साहा। साहा आईपीएल के सभी सीजन में खेल चुके हैं, और साहा आईपीएल में 4 टीमों के लिए खेल चुके हैं, जिसमें साहा ने किंग्स इलेवन पंजाब के लिए बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। साहा पंजाब के लिए 4 सालों तक खेले हैं, जिसमें साहा ने आईपीएल 2014 में पंजाब के लिए बहुत ही बढ़िया रन बनाए थे, और आईपीएल 2014 के फाइनल में साहा द्वारा खेली गई नाबाद 115 रनों की पारी को किंग्स इलेवन पंजाब का फैन कभी भी नहीं भूल सकता। साहा ने किंग्स इलेवन पंजाब के लिए 62 मुकाबले खेले हैं, जिसमें साहा ने 54 इनिंग में 1190 रन, नाबाद 115 का हाइस्ट स्कोर, 550, 1 शतक, 104 चौके और 38 छक्के लगाए हैं। इसके अलावा साहा ने पंजाब के लिए 130 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी भी करी है।
नंबर चार पर है ग्लेन मैक्सवेल। तो मैक्सवेल भी पंजाब के लिए काफी बढ़िया खिलाड़ी साबित हुए हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने पंजाब को कई सारे मुकाबले अपने अकेले के दम पर जीतवाए हैं। मैक्सवेल पंजाब के लिए अब तक 5 सालों तक खेल चुके हैं और आईपीएल 2017 के सीजन में मैक्सवेल पंजाब के कप्तान भी रह चुके हैं। आईपीएल 2014 के ऑक्शन में पंजाब ने मैक्सवेल को 6 करोड़ रुपए में खरीदा था और उस साल मैक्सवेल ने पहले मैच से ही आईपीएल में अपनी धूम मचाई थी। आईपीएल 2014 में मैक्सवेल ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड भी जीता था। ग्लेन मैक्सवेल ने अब तक पंजाब के लिए 70 मुकाबले खेले हैं, जिसमें मैक्सवेल ने 67 इनिंग में 1383 रन बनाए हैं, जिसमें मैक्सवेल ने 650, 111 चौके और 82 छक्के लगाए हैं। पंजाब के टॉप 10 रन स्कोरर में सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट ग्लेन मैक्सवेल का है। मैक्सवेल ने 157 के स्ट्राइक रेट से पंजाब के लिए रन बनाए हैं। किंग्स इलेवन पंजाब के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में नंबर 3 पर है केएल राहुल। केएल राहुल जब से किंग्स इलेवन पंजाब में आया है, तब से राहुल ने खुद को और किंग्स इलेवन पंजाब को काफी ऊंचाई तक ले गए हैं। आईपीएल 2018 के ऑक्शन में पंजाब ने राहुल को 11 करोड़ रुपए में खरीदा था और मेरे ख्याल से पंजाब ने जितने भी खिलाड़ी खरीदे हैं उसमें से सबसे बढ़िया खिलाड़ी केएल राहुल है। केएल राहुल ने पिछले 3 सालों में इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है कि केएल राहुल पंजाब के टॉप 10 रन स्कोरर में नंबर 3 पर आ चुके हैं। और केएल राहुल ऐसे ही खेलते रहे तो आईपीएल 2021 में पंजाब के हाईएस्ट रन स्कोरर की लिस्ट में नंबर 1 पर केएल राहुल पहुंच सकते हैं। केएल राहुल ने आईपीएल के पिछले 3 सालों में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं और पिछले साल ऑरेंज कैप के विनर भी केएल राहुल ही थे। राहुल ने पिछले साल 670 रन बनाए थे। केएल राहुल ने किंग्स इलेवन पंजाब के लिए अब तक 42 मुकाबले खेले हैं, जिसमें राहुल ने 1922 रन, 132 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर, 1750, 2 शतक, 173 चौके और 80 छक्के लगाए हैं। इसके अलावा पंजाब के किसी भी खिलाड़ी का एवरेज केएल राहुल के आसपास भी नहीं है। राहुल ने पंजाब के लिए 54 की एवरेज से रन बनाए हैं। बात करें नंबर 2 की तो नंबर 2 पर है डेविड मिलर। डेविड मिलर वो खिलाड़ी है जिसने किंग्स इलेवन पंजाब को कई सारे हारे हुए मुकाबले भी जिताए हैं। डेविड मिलर को किलर मिलर भी कहते हैं क्योंकि ये खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आता है और गेंदबाजों को बहुत मारता है। डेविड मिलर ने साल 2012 से लेकर साल 2019 तक यानी कि 8 सालों तक पंजाब की तरफ से खेला है और इन 8 सालों में मिलर ने पंजाब के लिए कई सारे रिकॉर्ड भी बनाए हैं, जैसे कि पंजाब के लिए सबसे ज्यादा छक्के मिलर के नाम है। मिलर ने पंजाब के लिए 91 छक्के मारे हैं और मिलर पंजाब के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाला खिलाड़ी है। मिलर ने सिर्फ 38 गेंदों में शतक ठोका था और वो पारी किंग्स इलेवन पंजाब के सभी फैंस को आज भी याद होगी। बात करें मिलर के पंजाब के लिए परफॉर्मेंस की तो मिलर ने पंजाब के लिए 84 मुकाबले खेले हैं, जिसमें मिलर ने 82 इनिंग में 1974 रन, 101 नाबाद का हाई स्कोर, 950, 1 शतक, 138 चौके और सबसे ज्यादा 91 छक्के लगाए हैं। इसके अलावा मिलर का एवरेज और स्ट्राइक रेट भी काफी कमाल का है। तो अब हम बात करने वाले हैं आईपीएल के इतिहास में किंग्स इलेवन पंजाब के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले नंबर 1 खिलाड़ी के बारे में और वो खिलाड़ी है शॉन मार्श। आईपीएल में शॉन मार्श का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ किंग्स इलेवन पंजाब की जर्सी आती है, क्योंकि मार्श ने अपने सारे आईपीएल सीजन किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेले हैं। शॉन मार्श किंग्स इलेवन पंजाब का वो खिलाड़ी जिसने अपने पहले सीजन से लेकर आखिरी सीजन तक पंजाब के लिए बहुत सारी मैच विनिंग पारियां खेली है। शॉन मार्श ने आईपीएल के पहले सीजन से ही अपना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाया है और इसी कंसिस्टेंट की वजह से शॉन मार्श पंजाब के टॉप रन स्कोरर में आज भी नंबर 1 पर मौजूद है, जबकि मार्श ने पिछले 3 सालों से आईपीएल नहीं खेला है। पंजाब के लिए 1000 रन तो कई सारे खिलाड़ियों ने बनाए हैं, लेकिन शॉन मार्श अकेले ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने पंजाब के लिए 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं। शॉन मार्श ने पंजाब के लिए 71 मुकाबले खेले हैं, जिसमें मार्श ने 69 इनिंग में 2477 रन, 115 का हाईएस्ट स्कोर, 2050, 1 शतक, 266 चौके और 78 छक्के लगाए हैं, जिसमें मार्श का एवरेज करीबन 40 का है और मार्श का स्ट्राइक रेट भी 132 के ऊपर का है। इसके अलावा पंजाब के लिए सबसे ज्यादा 50 और सबसे ज्यादा चौके शॉन मार्श के नाम है। तो दोस्तों, पेश है आपके सामने किंग्स इलेवन पंजाब के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 खिलाड़ी शॉन मार्श, डेविड मिलर, केएल राहुल, ग्लेन मैक्सवेल, रिद्धिमान साहा, क्रिस गेल, मनन वोहरा, मनदीप सिंह, कुमार संगाकारा और युवराज सिंह। तो दोस्तों, आज की हमारी मुद्दे की बात यहाँ पर समाप्त हुई।